बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। जी स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं इफ ए वेरीज जॉइंटली एज बी, ठीक है, ए वेरीज जॉइंटली एज बी एंड द स्क्वेयर रूट ऑफ सी। सी का आपने क्या लेना है, स्क्वेयर रूट लेना है, ठीक है। हमने अंडर रूट ले लिया, स्क्वेयर रूट ले लिया। अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन रीड कर चुके हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो आपके पास के बी अंडर रूट सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आगे वैल्यूज दी हुई, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 21, बी की वैल्यू आपके पास 5 है एंड सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 36 है। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ए की जगह 21 पुट कर देते हैं। के आपने वैसे ही छोड़ना है, के की हमने फाइंड करनी है, बी की जगह 5 और सी की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 36 पुट कर देते हैं। अंडर रूट 36 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 21 इक्वल्स टू के 30 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, 21 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू के आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 21 डिवाइडेड बाय 30, तो आपके पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 0.7 आपके पास के की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं फाइंड ए, आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी आपके पास 9 है और सी आपके पास कितने, 225 है। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, वैल्यूज पुट करते हैं। पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, के बी अंडर रूट सी आ जाएगा। ए को हमने वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब के की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.7, ठीक है। बी आपके पास 9 है, ए हमने फाइंड करना है और अंडर रूट सी की आपके पास की है, 225 आ जाएगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू 0.79, पहले हम क्या कर देते हैं, 225 का अंडर रूट फाइंड कर देते हैं, 225 अंडर रूट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 94.5 आ जाएगी, ठीक है। इसका अगर आप एंड से आंसर मैच करें, इसका और पिछले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन 5 था, एंड से आंसर मैच करें तो एंड पे आंसर ठीक नहीं है, तो आपके पास इसका ये आंसर आएगा, ठीक है।